क्रिकेट से राजनीति में आए इमरान खान लगातार अपनी गलत बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं। अक्सर ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं जिसके वजह से उन्हें काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ती है। वे उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में रेप बढ़ने की वजह मोबाइल है। इमरान खान अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भी सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कहा था अफगानिस्तान अब गुलामी की बेड़िया तोड़ दिया है। ऐसे ही कश्मीर मुद्दा पर भी गलत बयानबाजी करके चर्चा में बने रहते हैं। इमरान खान के इन हरकतों को देखकर लगता है कि उन्हें जानबूझकर मुसीबतें झेलने का शौक है, मगर इस बार उनका बड़बोलापन उन्हें भारी पड़ गया है। इस बार अपने बयान के कारण ही इमरान खान जेल के सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी की चर्चा जोरों पर है। गिरफ्तारी भी इसलिए क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने ईस निंदा किया है। इमरान खान के द्वारा दिया गया एक नारा ही इस निंदा का कारण बना है। दरअसल जब इमरान खान सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए तब उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने सत्ता की कमान संभाली थी। शहबाज की ताजपोशी होने के बाद से ही इमरान खान से शरीफ बंधुओं पर हमला करना शुरू कर दिया था और तब एक नारा दिया था जिसमें कहा था शरीफ बंधु चोर है। अब यही नारा इमरान खान के गले की फांस बन गई है। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले दिनों सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। शरीफ जब मदीना के मस्जिद ए नबवी पर एंट्री कर रहे थे तभी 5 लोगों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वे लोग प्रधानमंत्री को देखकर चोर चोर और गद्दार के नारे लगाने लगे जिससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की किरकिरी हो गई। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने इस घटना के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया है। इसी मामले को लेकर पाकिस्तान के फैसलाबाद के एक नागरिक नईम भट्टी ने इमरान खान के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन किया है। फैसलाबाद पुलिस ने नईम की शिकायत पर इमरान समेत 150 लोगों के खिलाफ पैगंबर की मस्जिद को अपवित्र करने, मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए इस निंदा समेत कुल 7 धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। तब से यह कयास लगाए जा रहे थे कि इमरान समेत उनके सहयोगियों को जेल भेजा जा सकता है, लेकिन अब पाकिस्तानी गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी। पाकिस्तान में लागू इस निंदा कानून के मुताबिक अगर कोई जानबूझकर धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है, इन्हें ठेस पहुंचाता है, पूजा करने की जगह को क्षति पहुंचाता है या ईश्वर की निंदा करता है तो यह इस निंदा कानून के दायरे में आता है। इस निंदा कानून के मुताबिक इस्लाम या पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ भी बोलने पर मौत की सज़ा या जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।